हेलो गाइस, इट्स पुष्कर। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी कुछ दिन पहले ही मेरा नासिक जाने का प्लान था। हमारी फ्लाइट थी सुबह 6:15 की, जिसके लिए हमें 3 बजे ही घर से निकलना पड़ा। काफी सालों के बाद मैं इतनी जल्दी सुबह उठा था, या ये कहिए कि मैं सोया ही नहीं था। काफी टाइम बाद मैंने इतनी खाली सड़कें देखी थी, इतना सन्नाटा, इतना सुकून था इन सड़कों पे। कुछ टाइम के बाद हम एयरपोर्ट पहुंच गए। हमारी फ्लाइट टर्मिनल 1 से थी, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इतनी सुबह आंखों में नींद भरी थी तो कॉफी तो बनती है। कुछ टाइम बाद हमारी फ्लाइट डिपार्चर हुई और हमने टेक ऑफ किया। उसके बाद जो नज़ारा मैंने देखा, मेरी सारी नींद थकान सब दूर चली गई। ये नज़ारा ऐसा था मानो हम बादलों पे चल रहे। हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट थी, हमारा हॉल्ट अहमदाबाद का था। कुछ देर अहमदाबाद रुकने के बाद हमारी दूसरी फ्लाइट नासिक के लिए थी। कुछ घंटे अहमदाबाद एयरपोर्ट पर गुजारने के बाद हमारी नासिक की फ्लाइट का टाइम। नासिक एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद हमें वीडियोग्राफी के लिए मना कर दिया गया, क्योंकि वह इंडियन एयरफोर्स का एरिया था। रास्ते का नजारा बहुत बढ़िया था, यहाँ की पॉजिटिव वाइब्स काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। हम अपने होटल की तरफ आगे बढ़ रहे थे। फाइनली हम अपने होटल पहुंच गए। हमारे होटल का नाम था पंचवटी एलाइट इन। काफी बढ़िया होटल था।
बाद हमने सोचा थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम चलेंगे शाम को सुला वाइन यार्ड, जो कि थोड़ा पास ही था यहाँ से।